हेलो, तो स्वागत है आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट के आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो नीट के प्रोबेबल आ सकते हैं, यानी बेसिक आज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो पिता होते हैं उनको बोला जाता है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अगर बात करें दोस्तों हम, तो फादर ऑफ जूलॉजी आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है लेबोजियर, जो कि लेबोजियर होते हैं आपका केमिस्ट्री के फादर, तो ये आंसर नहीं होगा। रॉबर्ट हुक की बात करें फादर ऑफ जूलॉजी, ये तो नहीं होते, ये तो लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किए थे, नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो ये बॉटनी के जो है फादर होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो एरिस्टोटल होंगे, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल होते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज। तो फर्स्ट आंसर देखिए इसका, फादर ऑफ बॉटनी पूछा है, तो फादर ऑफ बॉटनी का आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बॉटनी की बात करें तो देखिए जूलॉजी और बॉटनी दो सेक्शन होते हैं बायोलॉजी के, और बायोलॉजी के फादर होते हैं एरिस्टोटल और बॉटनी के फादर होते हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस कौन थे आपको पता होना चाहिए, थियोफ्रेस्टस जो थे स्टूडेंट थे किसके, एरिस्टोटल के। तो एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट थे वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है ऐसा। और लेबोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, रॉबर्ट हुक आपका हो जाएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग सेल की बात करेंगे अगर हम, तो लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। थियोफ्रेस्टस कौन होते हैं, जिसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन याद रखिएगा रॉबर्ट हुक किसका डिस्कवरी किए थे, सेल का, यानी नॉन लिविंग सेल स्पेशली। थियोफ्रेस्टस की अगर बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी होते हैं, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो सेल पता होना चाहिए आपको, डिस्कवर सेल को किसने किया था, तो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका रॉबर्ट, क्योंकि यहाँ पे सेल पूछा है। अगर यहाँ पे लिविंग सेल पूछा होता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, नॉन लिविंग पूछा होता है रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ये आंसर होगा आपका रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले सबसे जो साइंटिस्ट सबसे पहले थे वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कहा जाता है लिविंग सेल जो इसने देखा था, इन्होंने देखा था, वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल देखा था वो बैक्टीरिया ही था, तो बैक्टीरिया ही था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए, और कल हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो धन्यवाद।